चाय पीने के लिए भाई ठंड। दामन दामन पैंट मटन को चालू कैसे करते हैं फोन दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो दिस इज द माय साइड ऑफ द स्टोरी। तो एज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिख ही चुका होगा कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं एंड ट्विंगल के कज़न की शादी है। सो कल ट्विंगल ऑलरेडी निकल चुके हैं, मैं उसके साथ नहीं जा पाया क्योंकि मैं काम से बिजी था। सो अब मैं निकल रहा हूँ। सो मैं ट्विंगल के ब्रदर के साथ में निकल रहा हूँ एंड हम अभी बस पकड़ेंगे, निकलेंगे तो साइड मॉर्निंग हम 5-6 घंटे में पहुँचेंगे। तो उसके ब्रदर भी नहीं जा पाए क्योंकि उसका भी ऑफिस वगैरह था। कहेंगे कि आज अपनी शादी का कैसा रहेगा हमारा। अच्छा यार, काफ़ी ठंड है यार सुबह सुबह। अभी तो बस स्टैंड पे इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में बस निकलने वाली है। तो होपफुली मैं बस की जर्नी तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि रात भर से सोया नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस में नींद थोड़ी पूरी कर लूँ जो कि कल पूरे दिन मुझे सो के अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो चलते हैं एंड ट्रेन का चार्ज आगे उसको। घंटे के बाद में थोड़ा रुके हुए हैं चाय पीने के लिए एंड भाई ठंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी धुंध हो रखी है पीछे में। एंड सीरियसली यार, इतनी हवा चल रही है, इतना ठंड लग रही है ना, बता नहीं सकता हम लोग लाइक क्या हाल हो रखा है। मैं देखो आपको धुंध दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इतनी धुंध हो रखी है ना, अभी उतरा हूँ थोड़ा चाय पीता हूँ, बहुत खतरनाक ठंड हो रखी है यार। तो अभी भी हमें लगेंगे ऑलमोस्ट लाइक अभी अगर देखा जाए तो 8 बज रहे हैं। सो एटलीस्ट लाइक 12 बजे तक कह रहे हैं पहुँचेंगे। सो इट विल टेक मोर लाइक 4 आवर्स आई थिंक। तो चलो थोड़ा चाय पी जाए। तो इसकी भी हालत ख़राब हो रही है ठंड की वजह से। चाय दिखाना, चाय दिखाना। चाय गिर गई। तो हमारी चाय गया, हरिद्वार में रोका गया है एंड अभी मैं हरिद्वार में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ का। सो इसके बाद हम निकलने, बस अब मुश्किल से मैं मैक्सिमम मेरे हिसाब से 20 मिनट और या 30 मिनट लगेगा दैन हम पहुँच जाएंगे ऋषिकेश। सो फाइनली 6 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, अब जा रहे हैं घर। सो शाम का जो भी होगा फंक्शन वगैरह अगर आप लोग को दिखाते हैं तो स्टेडियम। पकड़ा पकड़ा पकड़ा, दामन दामन पैंट मटन को चालू कर।